क्या आपको पता है आप स्वयं को कैसे प्रेरित कर सकते हैं और लंबे समय तक अपने आप को प्रेरित रखकर एक बहुत ही सफल इंसान बन सकते हैं? नहीं तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। स्वयं को प्रेरित कैसे करें? जीवन में लक्ष्य हम सभी बनाते हैं, लेकिन उन लक्ष्यों को कुछ ही लोग प्राप्त कर पाते हैं, जबकि अधिकतर लोग अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसे क्यों होता है? नहीं तो इस वीडियो को देखते रहिए। प्रेरणा की कमी। एक निश्चित समय तक स्वयं को प्रेरित बनाए रखना आसान है, लेकिन अगर लक्ष्य बहुत ही बड़ा हो और कठिन हो तो कुछ वक्त बाद ही प्रेरणा ओझल हो जाती है और हम अपना रास्ता और मंजिल भी बदल लेते हैं। ऐसे में अगर ये जान लिया जाए कि स्वयं को लंबे समय तक प्रेरित कैसे रखा जाए तो लक्ष्य को पाना काफ़ी आसान और निश्चित हो सकता है। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला काम, डरना छोड़ दें। किसी बड़े लक्ष्य को तय कर लेने के बाद उससे जुड़ी अनगिनत भय हमें सताती है, जो हमारा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित करती है जो हमें कदम बढ़ाने से रोकते हैं, जबकि हमारा सारा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित बना रहना चाहिए जिन्हें हम साकार रूप से देखना चाहते हैं। भय की स्थिति बने रहने पर हम नकारात्मक से भर जाते हैं और लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोई भी कदम उठाने से पहले हमें डर लगने लगता है। ऐसे में ये याद रखें कि कोई भी नया निर्णय लेने से पहले सोच विचार कर करना चाहिए, लेकिन डर कर कदम नहीं बढ़ाना सही विकल्प नहीं है। इसलिए अब लक्ष्य तय कर लेने के बाद डर का साथ छोड़ दीजिए। एक लक्ष्य पर फोकस हमेशा रखिए। फोकस होना किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहली जरूरत होती है। फोकस बना रहे तो बिना भटकाव के आसानी से अपने टारगेट को अचीव किया जा सकता है, लेकिन फोकस दूसरी जगह या चीज़ों पर चला जाए तो भटकना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य रखिए और ये याद रखिए कि आपका किया हुआ हर कार्य उस लक्ष्य की प्राप्ति से उठाया हुआ एक कदम है। एक ही टारगेट तक सीमित रहेंगे तभी उसकी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, और फोकस बनाकर स्वयं काम करते रहिए वहाँ तक पहुँच जाएंगे। एक साथ कई लक्ष्य भेदने के प्रयास में एक भी लक्ष्य तक पहुँच नहीं पाते हैं और भटकते रहते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। जिस लक्ष्य को आप दिन रात सोचा करते हैं उससे जुड़ी प्रेरणादायक प्रसंग और लोगों के अनुभव पढ़ने से भी आप प्रेरित महसूस करेंगे, क्योंकि दूसरे लोगों की सफलता देखकर आप महसूस करेंगे कि ये कार्य नामुमकिन नहीं है। और आप जब दुनिया में दूसरे लोग इस लक्ष्य को पा सकते हैं तो आप भी ऐसा कर पाएंगे। ये भावना आपको स्वयं को प्रेरित करेगा। अगर आप सोचते हैं कि अपने साथ ज़्यादा कठोर व्यवहार करने आप लक्ष्य पा सकते हैं तो ये सच नहीं है। स्वयं को अनुशासित रखना अलग बात है और प्रेरित करना अलग बात है। अगर आप स्वयं को प्रेरित करना चाहते हैं तो हर छोटी उपलब्धि पर स्वयं की प्रशंसा करिए और पुरस्कार दीजिए। ऐसे छोटे छोटे प्रयास मिलकर ही बड़ी सफलता बनाते हैं, इसलिए इन छोटे छोटे काम पूरे करने पर खुद को इनाम जरूर दीजिए। ऐसा करके आप खुद पर यकीन बढ़ा देंगे और आगे आने वाले कार्यों में और भी अधिक मेहनत के साथ आप काम करेंगे, क्योंकि इनाम मिलने से आप बहुत ही अधिक प्रेरित महसूस करेंगे। आपका नज़रिया आपके व्यक्तित्व को बहुत अधिक प्रभावित करता है, और अगर आप निगेटिव सोच से घिरे रहते हैं तो स्वयं को प्रेरित करना आसान नहीं होता है। ऐसे में आप अपने आसपास की बेहतरीन चीज़ों को देखकर खुश होना सीखिए। उन चीज़ों के लिए अफसोस जताएंगे जो आपके पास नहीं है, ये पूरी तरह आपके नज़रिए पर निर्भर करता है। आप जब चाहें अपना नज़रिया बदल सकते हैं। इसके लिए आपके जीवन की ऐसी 10 बेहतरीन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो आपको खुशी देती हो और जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। इस लिस्ट को रोज़ पढ़िए और महसूस करिए कि आपके पास सब कुछ अच्छा है। ऐसा करने से आपके विचार भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे और आगे कुछ नया और बेहतर करने में आप बोझिल महसूस नहीं करेंगे, बल्कि उसके बजाय उत्साह और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। अक्सर कुछ समस्याएं आ जाने पर हम अपना प्लान बदल
देते हैं, अपना लक्ष्य ही बदल देते हैं और भटकाव की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि अपने तय किए गए प्लान में कमी आने पर या गलतियां होने पर हम प्रेरणा की कमी महसूस करने लगते हैं, जिसके चलते अपना रास्ता बदल लेते हैं। इसकी बजाय अपने प्लान से होने वाले बदलाव को खुले दिल से स्वीकार करना सीखिए और उन बदलावों पर अमल करते हुए लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते रहिए। स्वयं प्रेरणा के साथ कई बार बाहरी दुनिया से प्रेरणा लेने की ज़रूरत पड़ती है। जब आप काफ़ी परेशान या विफल हो रहे हों, तब ऐसे दोस्तों की ज़रूरत महसूस होती है जो आपको सराहते हैं, आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, आपको प्रेरणा से भर देते हैं। और इसलिए अपने आसपास ऐसे मित्र जरूर रखें जो आप जैसी सोच रखते हों और आपकी प्रेरणा के साथ हमेशा आपका साथ दें। स्वयं को प्रेरित रखना बेहद आसान कार्य है, क्योंकि आप अपने बारे में सब कुछ पहले से ही जानते हैं। अपनी खूबियों और अपनी खामियों से परिचित होने के बाद ही आप कोई लक्ष्य तय करते हैं। ऐसे में मार्ग में आने वाले उतार चढ़ाव से घबराइए मत, स्वयं के पक्के दोस्त बनिए और हर हालात में खुद को संभल देते हुए आगे बढ़ते जाइए। और अगर आप खुद की प्रेरणा बन सकें तो खुद को देने के लिए इससे बेहतर उपहार और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए स्वयं में प्रेरित बने रहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।